है गाइस, वेलकम बैक टू आवर गेमिंग चैनल। वापस से तुम लोग का स्वागत है कोरोना एडिशन में। तो चलो गेम प्ले अपना स्टार्ट कर लेते हैं और फिर हम लोग को अभी नेक्स्ट रूट में जाना है जहाँ तक हमको पता है। तो चलो चलना स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे का नेक्स्ट रूट शायद वहाँ जो नीचे दो बंदी थी ना, शायद बंदा या बंदी थी, एक मिनट में यहाँ फंस क्यों रहे हैं। नीचे जो बंदी थी ये लगता है मेरा यही रूट है। चलो देखते हैं ये लोग जाने देगा कि नहीं देगा। ये लोग जाने नहीं दे रहा। यहाँ बगल में भी शायद था, जरा देखा जाए इस साइड। हाँ यहाँ से तो वो हट गया नीडोरैन वाला ना। चलो इधर, अरे तरीके ये कहाँ से आ गया अचानक से। ऐसे भी यहाँ पे तो हम अवॉइड कर नहीं सकते ट्रेनर्स को। तो यार लगता है थोड़ा सा गेम प्ले लिटिल बिट वो लॉन्गर हो जाएगा। तो इसका तो है ग्रनबुल। ग्रनबुल को तो हम चेंज करेंगे और अपना सेलेजार को ले आते हैं। सेलेजार यूज स्लज बॉम्ब। स्लज बॉम्ब इसका काटिलाना अटैक करेगा। अरे भाई यार काटिलाना अटैक तो नहीं किया अपना, लेकिन चलो बीटअप। बीटअप से ही हार गया। आगे आगे यहाँ पे, अरे तुरी के शैंड स्लैश। इस गेम में अच्छा पोकेमॉन तो है शैंड स्लैश, लेकिन सही है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे हम अपना ये यूज़ कर लेते हैं, क्या इसको कहा जाता है अपना सुपर रिपेल। सुपर रिपेल यूज़ हो गया। और पोकेमॉन में तो मेरा डॉल्फिन सही है आगे है। तो गाड़ी और थोड़ा सा यार हील कर लेना चाहिए था हमको। चलो यहाँ नीचे, ये नीचे भाई एक पोकेबॉल है, जरा देखा जाए पोकेबॉल में क्या चीज है। मिरेकल सीड भाई यार। हम लूटी कोलो को दे सकते थे लेकिन देंगे नहीं। अब ये बंदा लड़ेगा, पूरी उम्मीदों से ये खड़ा है लड़ने के लिए। बेचारा बच्चा है, गाड़ी वॉर है इसके पास तो। हाँ तो इसके ऊपर तो हम किस पोकेमोन को चुने, सबसे मेरा पहला सवाल। पुपिटार कार माइंड हाँ, चलो कोई बात नहीं। मेरा सीधा अटैक रहेगा ये डार्क पल्स। अरे भाई क्रिटिकल हिट हुआ लेकिन उतना डैमेज नहीं दिया। एक और बार फ्यूचर साइन तुम्हारा नहीं अटैक कर पाएगा, मेरा डार्क पल्स से तो पहले बच के दिखाओ। एकरा के तो हम भूत छोड़ा दे ले बारी। थोड़ा सा बिहारी भी यार बोल लेना चाहिए बीच बीच में, लगेगा ना कि हाँ भाई बिहारी लड़का खेल रहा है गेम प्ले। यहाँ एक बूढ़े अंकल जी है और यहाँ भाई क्या है, यहाँ कुछ नहीं लग रहा है। एक बार हमको देख लेना चाहिए था। चलो यहाँ ये अंकल जी, तो यहाँ ये अंकल जी भी बैटल कर रहे। वो इनके पास तो एक ही पोकेमॉन है, वो भी है फ्लेरियन। फ्लेरियन है तो अपना अर्थक्वेक वा सही रहेगा इस तरह के ऊपर। फ्लेरियन इसका मेल है, फीमेल होता है तो कुछ बात भी रहता कि सुंदर भी कह सकते थे। एक चीज़ हम तुम लोग से पूछेंगे, जो इवोल्यूशंस है ईवी की, वो तुम लोग को मेल में पसंद है कि फीमेल में, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसे हम अपना चॉइस तो दे देंगे हमको कौन सा फीमेल में पसंद है। जैसे ग्लेशियन, ये बंदी लड़ेगी लेकिन हम अपना बता देते मेरा ओपिनियन। जैसे ग्लेशियन, सेल्वियन और लिथियन और फ्लेरियन, ये सब जब फीमेल में रहेगी ना तो काफ़ी माशाल्लाह खूबसूरत लगेगी। ऊपर जैसे ये वाला गेम प्ले था ना जी अपना मोइमॉन्स, हाँ मोइमॉन्स में तो यार भाई, अरे भाई ये अचानक से कहाँ से आ गया भाई। हाँ टीचर हमको डरा दिया एकदम से। ये सब चीज हमको फीमेल में अच्छी लगेगी। बच गया जोल्टियन, वेपोलियन। वेपोलियन भी ऐसे फीमेल में अच्छी लगेगी। वेपोलियन का जो पूंछ है ना वो मर्मेड जैसा लगेगा, अच्छा रहेगा। मैं वेपोलियन भी फीमेल में अच्छी लगेगी। हाँ जोल्टियन मेल होना चाहिए। चलो यहाँ इसको तो हरा। यहाँ भाई कुछ आइटम्स हो रहा है, इसको तो ज़रूर लेना चाहेंगे आप। क्या मिला हमको भाई, सिट्रस पेड़ी। इधर कुछ नहीं। ये बंदा यार लड़ेगा, ऐसे ही मेरा पोकेमोन का लगा पड़ा है ऊपर से, ये लड़ेगा। इसके पास है कौन सा एमबी फॉर्म है तो भाई यार रॉक टॉम्ब। सेलमेंस, यहाँ पे सेलमेंस सही रहेगा। सेलमेंस
स्क्रीच, स्क्रीच से तो मेरा डिफेंस कम कर रहा है, कोई बात नहीं हम यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा एक्सेसरी। ओ एक्स्ट्रा एक्सेसरी से ही हार गया, चलो अच्छा ही है। जरा इधर देखा जाए, अब तो पानी वाला रास्ता शुरू हो गया, हमको थोड़ा सा सर्दी हो गया है। जरा यहाँ पे तो भाई अपना पोकेमोन लूटी खोलो को हम सोच रहे आगे कर लेते हैं। ऐसे पानी वाला रास्ता है ना, कोई भी वाटर टाइप पोकेमोन आएगा तो लूटी कोलो का ऐसे संभाल लेगा। अरे भाई ये तो लड़ गया, ये स्विमिंग सूट में ये क्या है भाई, आदमी है स्विमर। अरे भाई यार एक लूटी कोलो के सामने दूसरा लूटी कोलो, भाई पोकेमोन चेंज करिए। सेलेमेंस, सेलेमेंस के हाँ गीगा ड्रेन कर रहा, अच्छा कि हम पोकेमोन चेंज कर लिए। अभी हम करते इसके ऊपर क्या इसको कहा जाता है, फ्लाई, हाँ फ्लाई करते हैं। वाटर स्पोर्ट, लेकिन फ्लाई से बचेगा तब ना वाटर स्पोर्ट इसका काम करेगा। अब यहाँ मेरा रिपेल अटैक ख़त्म कर रहा है, यानी तो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। चलो इस साइड तो नहीं, ये आंटी जी ज़रूर हमसे लड़ेंगी, हम नीचे से जाने का कोशिश नहीं करेंगे, क्या है कि पता है कि जब लड़ेंगी तो नीचे से जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। हाँ ये आंटी जी को तो हरा दिए, फालतू का डबल बैटल करने के मूड में थी आंटी। चलो भाई लेकिन यहाँ भी आइटम शो हो रहा है, जरा सा हम देख लेते हैं ये पत्थर पे क्या है। पत्थर पे लंबेरी मिल गया भाई, कामे का चीज़ मिल लो, कामे का चीज़ मिल लो भाई। यार यहाँ पे तो एक और चीज़ मिल गया, एस्प्रेस बेरी इधर। ओ हो ये भी लड़ेगा साला, चलो कोई बात नहीं। ऐसे ये कौन है पोकेमोन ट्रेनर, बेन भाई यार, बेन टेन देखे यार जमाना भी दिया हमको। चलो कोई बात नहीं, इसको अभी हम करते हैं अर्थक्वेक। इसका पोपिटार, मेरा पोपिटार भी तो इवॉल्व करेगा शायद 55 लेवल पे टायरेनाटार पे। अच्छा हाँ एक चीज़ और याद आया, पोकेटॉक्सिक हमसे पूछ रहा था कि भाई मैग्नेजोन को मैग्नेटोन को मैग्नेजोन में कैसे इवॉल्व करें। हीलअप हो लेते हैं यहाँ पे और बताते हैं भाई, मैग्नेजोन को मैग्नेटोन में इवॉल्व करने के लिए पहले तो तुम्हारे पास मैग्नेट होना चाहिए। मैग्नेट मैग्नेटोन को दे दो, उसके बाद रेयर कैंडी से इवॉल्व कर दो, मे बी शायद इवॉल्व कर जाए, क्या है कि यही सब सिस्टम रहता है इसको इवॉल्व करने के लिए। जैसे इलेक्ट्रीवायर को इलेक्ट्रिक कुछ करके जो रहता है, इलेक्ट्रीजायर, मैग्माटोर को मैग्माजायर कुछ करके ऐसे ही रहता है, वैसे ही इवॉल्व करता है, तो मे बी ये भी ऐसे ही इवॉल्व कर जाएगा। और यहाँ ये बंदा हमको क्या देगा, ये बंदा हमको बाईसाइकिल दे दिया, चलो भाई कुछ काम ही कर दिया, नहीं तो इतना देरी से तुमको लग रहा था कि हम पैदल चल चल के थक जाएंगे। यहाँ क्या है, ये बहुत छोटा सा रूट है, हमको लगा बहुत लंबा हो जाएगा लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया। ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है खड़ा होकर, शायद पहरेदारी जो भी रहे। हमको किधर जाना है, हाँ तो ऊपर तो जाने नहीं देगा, हम अपना रिपेल यूज़ करके इसी साइड चलते हैं। देखते लगता है गेम यहीं पे लगता है कुछ देरी में रोक देंगे, इसके अंदर चल के देखते हैं ये अंकल जी हमको क्या देते हैं। का हाल बानी अंकल जी, हमको दे दिया HMO5 यानी कि फ्लैश। ओ तरीके HMO HM के ऊपर HM मिल रहा है भाई, दो एपिसोड से HM के ऊपर HM के ऊपर HM। यहाँ लूटी कोलो और ये स्विमर देख लिया, तो का हाल बानी तोहरा के स्विमर वा, तोहरा पास वॉ टोटल बानी, तो तोहरा के वॉ टोटल के हम हाँ मोटोर जवाब डेले के चाही बुलेट सीटवा से, कहे कि हमारे पास जब बुलेट सीटवा है तो हम पोकेमोन चेंज करें कि हमको ज़रूरत ना बनी। चलो इसको तो रैपिड स्पिन कर रहा है लेकिन बुलेट सीटवा, अरे भाई ये क्या कर रहा है अपना, ये प्रोटेक्ट कितना प्रोटेक्ट कर, तुरी माँ का चीनो कितना प्रोटेक्ट करेगा। बुलेट सीट एक और दो, चलो कम से कम हारा तो, हमको लग गया एकदम एकमा का चीनो कर देता ही तो। चलो यहाँ से, अरे तुरी के इसे कहाँ कहाँ छिप के रहता है कि अचानक से पकड़ लेता, हम तो हैरान हो गए।
यहाँ पे एक और लैप्रस, इस लैप्रस को हराने के लिए भी हम बुलेट सीट का इस्तेमाल करते हैं। बुलेट बुलेट, कमॉन कमॉन कमॉन, एक बार और, एक बार और, एक बार और, अरे तुरीके 5 बार कर देता ना, शेट। अच्छा कोई बात नहीं, अभी करते हैं ठीफ ठीक ठीक ठीक। चलो लैप्रस तो गई, अब हमको यहाँ का रास्ता देखना, हमको कैसे यहाँ से हम कहाँ जा सकते हैं। हाँ तो ये कैसा रास्ता है नीचे, एक मिनट, नीचे वहाँ हमको कुछ केव जैसा दिख रहा है, अंडरग्राउंड पार्ट, लेकिन पहले तो हमको ये जगह लगता है कवर करना पड़ेगा। यहाँ हम निकले कैसे, सबसे बड़ा सवाल तो मेरा यही है। वहाँ जाने के लिए इधर से गुजरे, इधर से गुजरे, ये बंदी से भी बच गए अचानक में हम, लेकिन चलो अच्छा था, रफ्तार तेज था तो हम बच गए। यहाँ अपना रिपेल यूज़ कर ही लेते हैं भाई, काहे कि कोनो ठीक ना है, कभी वो बंदा आके गिर जाता लड़ने के लिए। एक मिनट, ये तो एक फिशरमैन है ना, ये फिशरमैन हमको शायद गुड रॉड दे सकता है। इसके पास ये क्या, ओ भाई यार गुड रॉड ना दे करके यार हमको ये सुपर रॉड दे रहा है। ये हुई ना कुछ बात, ये हुआ ना कुछ चीज़ जो हम यूज कर सकते हैं। मैजिक आर्ट पकड़ने के लिए कह रहा है, बिगेस्ट यानी कि सबसे बड़ा वाला जो मैजिक आर्ट होगा वो पकड़ने के लिए दे रहा है। चलो जो भी रहे, हम ऐसे कोशिश करेंगे मैजिक आर्ट कैच करने का, बड़ा वाला। अरे यार खांसने के चक्कर में ये बंदा तुम टकरा गए। चलो कोई बात नहीं, इसका नाम एड है और इसके पास है डेली बर्ड। एड और डेली बर्ड काफ़ी भयंकर जोड़ी लग रहा है। प्रेजेंट से तो यार थोड़ा सा डैमेज पड़ा, लेकिन हम फ्लेंट रोड से इसको पूरा पूरी डैमेज देंगे। चलो भाई डेली बर्ड का तो अपना डिलीवरी कर दिए। अब यहाँ पे इधर इधर रास्ता, अच्छा इधर से है रास्ता यहाँ, और इधर मेरे तरफ मच्छर कितना हो गया है, और ये बंदी देखी, मच्छर को भी जरा हम मार ले साथ ही साथ में। इसके पास है गोल्डक और क्लिस्टर, इसको हराने में थोड़ा सा तो टाइम लग जाएगा, लेकिन हरा देंगे हम। बुलेट शीट और इसके ऊपर ये, अरे भाई प्रोटेक्ट, अरे तोड़ी के बच लो प्रोटेक्ट से। गोल्डक, ओ भाई क्रिटिकल हिट, और ये गया। चलो हमको लगा कि यार बच जाएगा, लेकिन चलो गया तो सही। अभी बुलेट सीट और कट कट, ओ भाई कट से इसका आधा डैमेज पड़ा, बुलेट सीट से एक दो, अरे भाई यार तीन, सही हुआ सही हुआ, सही डैमेज दिया भाई, एकदम सही डैमेज दिया, सही है। यहाँ नीचे तो नहीं जाना हमको, इधर साइड, और ये बंदा, अरे तुरी की ये तो देख ली लो। हमको लगा कि नहीं देखा, लेकिन देख लिया। इसके पास 3 पोकेमॉन है, हम एक ही एक का बैटल दिखा रहे तुम लोग को। यहाँ पे करते हैं भाई यार सीधा सीधी कार्डिवॉर को यूज़, हिप्नोसिस। अरे भाई यार हम हिप्नोसिस करने का सोच रहे थे, मेरे पास भी हिप्नोसिस है, साइकिक सबमिशन। चलो यार कम डैमेज पड़ रहा है, लेकिन यार कम ऑन हिप्नोसिस भाई यार, उठ जाओ गार्डिवॉर, कम ऑन गार्डिवॉर, कम ऑन। हाँ साइकिक, इसके ऊपर कितना डैमेज, सुपर इफेक्टिव यानी फुल डैमेज। चलो अब यहाँ हम यहीं पर हम गेम सेव कर देते हैं। अरे तुरी के ये तो लड़े के लिए आ गया, हम सोच रहे थे गेम सेव करेंगे, ये तो उल्टा लड़े के लिए तैयार है। ऐसे इसके पास एक ही पोकेमॉन है, इसका सर्वाइपर के आगे तो यार सीधा अपना डॉल्फिन सही रहेगा। पॉइजन फैंग कर रहा है, कोई बात नहीं, हम ये करते हैं, क्या कहा जाता है, अर्थक्वेक स्वैगर यार कंफ्यूज कर दिया, शार्पली अटैक रोज कंफ्यूज, ठीक है भाई। हर्ट, अरे भाई यार डैमेज दे रहा है, कोई बात नहीं, लेफ्ट ओवर से थोड़ा सा हम ये लेफ्ट ओवर कर पा रहे हैं। अरे दादा एक बार और अर्थक्वेक, भाई यार चलो कम से कम हरा तो दिए। अब हम सोच रहे यहीं पे अभी के लिए हम गेम सेव कर देते टेम्पोरी के लिए, तो मिलते हैं फिर अल्टरनेट पे, जैसे अभी वीडियो अपलोड करें अल्टरनेट पे। तो सी यू, टाटा, सायो नारा।